एंटीलिया की 27वीं मंजिल पर ऐसा क्या है जिसका राज अंबानी परिवार किसी को नहीं बताते हैं? क्या अंबानी की दौलत इसी मंजिल पर छिपी हुई है या फिर कुछ ऐसा जो अंबानी के बेशुमार दौलत के पीछे का राज है? तमाम शानो शौकत से भरे एंटीलिया के इस फ्लोर की क्या है असली सच्चाई, ये जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाने वाली है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की बात करें तो उन्हीं में से एक है अंबानी परिवार। अंबानी परिवार के जैसे ही इनका घर बकिंघम पैलेस के बाद सबसे कीमती घरों में से एक है। लेकिन क्या वजह है कि ये परिवार अपने घर एंटीलिया के टॉप फ्लोर यानी के 27वीं मंजिल पर रहते हैं और मुकेश अंबानी ने अपनी शुरुआत कौन से घर में रहकर शुरू की थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के जाने माने उद्योगपति रिलायंस जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। ये रईसों में हमेशा से ही सबको पीछे छोड़ते आए हैं। इनके पास धन जायदाद किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसके चलते ये परिवार भी किसी सेलिब्रिटी से कम शौक नहीं रखते हैं, जिनके शौक के आगे पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री भी फीकी लगती है। बात करें इनके परिवार की तो इनके शौक भी राजा महाराजाओं से कम नहीं है और अमीर परिवारों में एक अंबानी परिवार का सेलिब्रेशन हमेशा से ही देखने लायक होता है। ये फेस्टिवल स्पेशली न्यू ईयर्स के टाइम में अपने बिल्डिंग्स एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाते हैं। सोचिए, जब ये बिल्डिंग को ऐसे रखते हैं तो परिवार के सदस्य को कितने ही शौक से संभालते हैं। एक इंटरव्यू में नीता अंबानी ने बताया था कि वो दिन की शुरुआत जापान की एक कंपनी के कप में चाय पीकर करती हैं, जिस पर गोल्ड की लेयर होती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके 50 सेट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। मीन्स एक कप की कीमत लगभग 3 लाख रुपए। और तो और, ये तो आपने सुना ही होगा कि नीता अंबानी के ड्रेसेस और फुटवेयर्स कभी भी रिपीट नहीं होती है। इनके पास हमेशा से ही बड़े बड़े ब्रांड के जूते और सैंडल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें ये बड़े ही स्टाइल के साथ कैरी भी करते हैं। बता दे, इन फुटवेयर्स की शुरुआत ही लगभग 1 लाख रुपए से शुरू होती है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको अंबानी परिवार की बिल्डिंग एंटीलिया के बारे में। 27वीं मंजिला इस बिल्डिंग में आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगी। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस के बाद एंटीलिया दुनिया की दूसरी सबसे महंगी बिल्डिंग है। इस खूबसूरत महल में स्विमिंग पूल, जिम, आइसक्रीम पार्लर के अलावा 9 हाई स्पीड लिफ्ट भी लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर एक गैराज भी है जहाँ पर 10 या 20 नहीं बल्कि 168 गाड़ियाँ पार्क रहती है। मुकेश और नीता अंबानी के इस बंगले की कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। आजकल अपने इस महल के एक नए सदस्य की एंट्री के बारे में भी सुना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राधिका मर्चेंट की। राधिका मर्चेंट एनकोर हेल्थ केयर कंपनी के सीईओ वीरेंद्र मर्चेंट की बेटी है। दोस्तों, एंटीलिया मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर मौजूद है। 27वीं मंजिल के इस घर में मुकेश अंबानी अपनी माँ कोकिला बहन, पत्नी नीता अंबानी, दोनों बेटे आकाश अनंत, बड़ी बहू श्लोका और पोते पृथ्वी अंबानी के साथ रहते हैं। एंटीलिया को दुनिया के सबसे महंगे और बड़े घरों के लिस्ट में शुमार किया जाता है, जिसकी रेख देख के लिए 600 से भी अधिक हेल्पर रखे गए हैं और ये सभी बड़े ही शिद्दत से अपना काम पूरा करते हैं। यहाँ के नौकरों के बच्चे भी अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं। नीता अंबानी बताती हैं कि वो अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर के जैसा मानती हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ काम करने वाले लोगों की सैलरी 2 लाख रुपए तक होती है। पर क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी का एक पुश्तैनी मकान भी है? गुजरात में 100 साल से भी पुराने इनके पुश्तैनी मकान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का पुश्तैनी मकान गुजरात के चोरवार गांव में है, जो कि करीब 100 साल पुराना है। भले ही आज मुकेश अंबानी के पास एंटीलिया हो, लेकिन फिर भी वो अपने पुश्तैनी मकान को नहीं भूले हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा होने के बाद भी पूरा अंबानी परिवार एंटीलिया के 27वें फ्लोर पर क्यों रहते हैं? इसके बारे में नीता अंबानी बताती हैं कि वो चाहती हैं कि उनके परिवार के सदस्य के कमरे में सूरज की रोशनी अच्छे से आती रहे, इसलिए उन्होंने 27वीं मंजिल पर रहने का फैसला किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें इस फ्लोर पर रहने की सलाह उनके एक नजदीकी ने दी थी। दोस्तों, ये थी मुकेश अंबानी की फैमिली और हाउस एंटीलिया के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आपका क्या राय है अंटेलिया के बारे में हमें कमेंट करके जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।